नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बीए चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले फ्रेंड्स कि 2022 में जितने भी छात्र छात्राएं इंटर पास आउट हुए हैं उन सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का पैसा अब डायरेक्ट ही उनके अकाउंट पे भेजा जाएगा बिना ऑनलाइन आवेदन किए हुए ही। किस तरह से भेजा जाएगा, क्या प्रोसेस है, क्या करने पड़ेगा उसके लिए आपको, तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी कि बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो 2022 से पहले जो भी छात्राएं इंटर पास आउट होते थे उन सभी छात्रों को मेधा सॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था, उसके बाद उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाता था सारा वेरिफिकेशन करने के बाद। अब जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट ही स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप सभी स्टूडेंट को, पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और कब तक आप सभी स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए लेके चलते हैं उस पेपर कटिंग के ऊपर जहाँ पे बताया जा रहा है कि अब स्टूडेंट को ऑनलाइन नहीं करना पड़ेगा, अब डायरेक्ट उनके अकाउंट पे जो है पिछले रिकॉर्ड के जरिए उनके अकाउंट पे कॉलेज के वेरिफिकेशन के द्वारा जो है उनके अकाउंट पे डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाएगा 25,000 उन सभी छात्राओं को। तो चले लेके चलते हैं उस पेपर कटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आप लोग को पेपर कटिंग के ऊपर लेके। यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है इस महीने में मिल जाएगी राशि, मनोज कुमार ने बताया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर सबको लिखा मिलेगा इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिसंबर के अंत तक उनके खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर सभी जिलों से छात्राओं का ब्यौरा मांगा गया है। कई जिलों के स्कूलों ने ब्यौरा देने में देरी की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इंटर उत्तीर्ण 5 लाख से अधिक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलनी है। चूंकि इस बार मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर छात्राओं की एंट्री ली गई है, इस कारण विलंब हुआ है। 1.5 लाख छात्राओं के ब्यौरे का सत्यापन कर उन्हें छात्रवृत्ति राशि भेज दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, बताया गया है कि जिस स्कूल से स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उन्हीं स्कूल के जरिए जिला के पदाधिकारी जो हैं उनके पास जो है सो स्टूडेंट का जो भी डिटेल्स है भेजा जाएगा, और जिला कार्यालय के जरिए शिक्षा बोर्ड में भेजा जाएगा, पटना यानी कि पटना भेजा जाएगा। उसके बाद जो है सो उन सभी छात्र छात्राओं को पैसा भेजा जाएगा 25,000 रुपया, जो छात्र छात्राएं इंटर पास आउट हुए हैं, थर्ड डिवीज़न हो या फर्स्ट डिवीज़न हो या सेकेंड डिवीज़न हो, तो उन सभी छात्र छात्राओं को 25,000 रुपया उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। 5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को जो है 25 लाख रुपया स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा छात्राओं को पैसा भेज दिया गया है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि 2022 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे 25,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर छात्राओं की एंट्री होने से इस बार हो रही है देरी। तो क्यों हो रहा है देरी, मैं आप लोग को बता चुका हूं कि अब जो है आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से पैसा जो है नहीं भेजा जाएगा। तो डायरेक्ट जो है आपके स्कूल में प्रिंसिपल जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और आपके स्कूल से जिला कार्यालय भेजा जाएगा, और जिला से जो है शिक्षा बोर्ड यानी कि पटना भेजा जाएगा। उसके बाद सभी स्टूडेंट को जो है पैसा भेज दिया जाएगा मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पे, उनका सारा डाटा जो है सो भेजा जाएगा पटना से तैयार करके। उसके बाद जो है सो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि भेजी जा रही है राशि। पटना जिला की कई इंटर पास छात्राओं के विवरण का सत्यापन किया जा रहा है। हर दिन 1 से 2 हज़ार छात्राओं को राशि भेजी जा रही है। पटना DEO अमित कुमार ने बताया कि 15 दिसंबर तक सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उनके खाते में चली जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि 15 दिसंबर तक आप सभी छात्राओं को पैसा उनके अकाउंट में 25,000 रुपया चला जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ 2022 में जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी छात्राओं को जो है सो 25,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे बताया गया 1.5 लाख से अधिक छात्राओं को उनके अकाउंट में राशि भेज दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि बताइए कि इंटर का जो 25,000 रुपया मिलता है वो कब से ऑनलाइन आवेदन होगा। तो बताना चाहूँगा सभी छात्राओं को कि इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके स्कूल के माध्यम से जो है सारा डिटेल्स लिया जाएगा, उसके बाद स्कूल के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा, उसके बाद जो है सो पटना शिक्षा विद्यालय भेजा जाएगा, उसके बाद वहां से ही आपका जो है मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पे आपका सारा डिटेल्स
जो है सो ऐड किया जाएगा। उसके बाद जो है सो 15 दिसंबर से पहले आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया, तो मैं आप लोग को पूरी जानकारी बता दिया कि किस माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन माध्यम से सोच रहे हैं कि पैसा आएगा मुझे, तो ऐसा नहीं है। अब स्कूल के माध्यम से संपर्क कीजिए और सारे डिटेल्स वहाँ पर दीजिए, वहीं से आपका पैसा जो है सो डायरेक्ट भेजा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।